ऊपर डाल के उसमें पानी डाल के, नेक्स्ट डे सुबह 2-2.5 इंच पानी ऊपर था उसको हटा दिया, वापस भर दिया और वापस उसमें से पानी निकाल के इस टाइप की एक छलनी से इस मिट्टी को पूरा छान, कंकर वंकर सब निकल गए, अभी एकदम प्लेन स्मूथ मिट्टी। इस मिट्टी के अंदर से थोड़ी सी मिट्टी को हम अलग कर लेंगे टॉप लेयर के लिए, और टॉप लेयर के लिए थोड़ी सी अलग करके रख लेते हैं, बाकी मिट्टी के लिए हम मिक्सचर बनाएंगे, विल मेक द मिक्सचर ऑफ द पॉटिंग ऑफ द वॉटर लिली। ये हमारा वॉटर लिली है छोटा प्लांट जो हमने प्रोपोगेट किया है, इसको हम पॉट करेंगे आज, हम बड़े को करें छोटे को करें एक ही बात, ठीक है। तो ये मिट्टी हमने टॉप लेयर के लिए अलग कर ली है, इसमें हम पॉटिंग करेंगे और फिर इसके अंदर इस पॉट को ऐसे डालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें नीचे डलेगी बोन मिल, क्या डलेगी बोन बोन मिल, बोन मिल का पैकेट ये है, और अंदाजे से आप देखिए इतना बड़ा पॉट है तो 2 चम्मच बोन मिल डालनी चाहिए, तो मैंने इतनी बोन मिल डाली है एंड दिस शुड बी इनफ, पैकेट दिखा रही हूं, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसका मिक्सचर बनाएंगे और ये मिक्सचर डालेंगे, इसमें डलेगी 7 भाग मिट्टी होनी चाहिए, 3 भाग अब खाद डलेगी, खाद इस वर्मी कम्पोस्ट, तो ये अंदाजे से 3 भाग इसमें वर्मी कम्पोस्ट खाद डालेंगे। वर्मी कम्पोस्ट खाद जो है उसमें वर्म्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छी सूखी भी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल वर्म्स नहीं दिखे, कुछ भी नहीं हो, कीड़ा वीड़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी और डलेगी, आप अंदाजे इंडियन किचन में जैसे कुकिंग होती है वैसे करेंगे हम, ज्यादा नाप तोल की जरूरत नहीं है, तो ये बिना कीड़े की मिलती है ऐसे ही, हाँ ऐसी अच्छी ऑर्गेनिक वाली है, बालाजी की मिल जाएगी आप वहां से ला। अब इसमें 1 भाग बदरपुर डाल, और ये बदरपुर इसमें अंदाजे से, बदरपुर को भी छाना होगा ना, नहीं बस ऐसे ही होता है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरा ये मिक्सचर मिक्स होगा, छाने तो आप प्लीज ध्यान रखें कि बहुत वॉटरी ना करें, बिकम वेरी इजी व्हेन यू डू मेक इट वेरी वॉटरी, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम होगा, या फिर अगर गलती से मिट्टी बहुत वॉटरी हो गई तो यू हैव टू लेट इट सेटल, ऊपर पानी आ जाएगा, उस पानी को आप फेंके एंड देन उसके बाद ये वाला प्रोसीजर करेंगे। 7 भाग मिट्टी है, 3 पोर्शन ऑफ वर्मी कम्पोस्ट खाद है एंड 1 पोर्शन ऑफ बदरपुर, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरा ये ब्राउन मिट्टी होती है वैसा बन जाता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा, दिस इज द बेस, अब हम इस बेस को इसमें भरेंगे। कौन से वो वाले पौधे लगाने हैं? ये वाला छोटा पौधा निकाल तो उसको पहले निकालना पड़ेगा, बस 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 उसको पौधे के डाल के फिर क्योंकि मेरे पास पौधे में भी ऑलरेडी पॉटिंग मिक्स में ही डला हुआ है ये, तो मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ इसको, और क्योंकि उसका भी मिट्टी आएगा इसको मैंने स्ट्रेटन कर दिया है, अभी बीच में हम वो जो पौधा है हमारा उसको सेट करेंगे, ये कम से कम इतना तो होना चाहिए क्योंकि हम इसको एक बड़े पॉट में डालेंगे, तो इतनी लेयरिंग हमारी होनी चाहिए, जितनी अच्छी मिट्टी इनफ मिट्टी की पॉटिंग वाली मिक्सचर, और जितना बड़ा पॉट आप लेंगे उतना अच्छा और हेल्दी आपका प्लांट होगा, उतने अच्छी फ्लावरिंग होगा। अभी ये साइड से डालेंगे ना, ठीक है, क्योंकि बेबी ये प्लांट हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो वाला फॉर द टाइम बीन हमने एक छोटी पॉटिंग में डाला था, हमने इसमें इसको डाल दिया, अब इसकी सारी पत्तियों को उठाएंगे और मैं ये वाली मिट्टी उसको बाद में पहले इसमें और डालो। जब
जब आप ये करें आप कोशिश करें साइडों में बिल्कुल भी खाद वाली मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। पानी के कांटेक्ट में अगर मिट्टी आती है खाद वाली तो काई बनाती है, और काई दूसरी चीज बनाती है जब आप जोर से पाइप से पानी डालते हैं और मिट्टी उछाल देते हैं तो नीचे की मिट्टी एक्सपोज हो जाती है और वो पानी के कॉन्टेक्ट में आ जाती है और वो काई बनाती है। लॉट ऑफ पीपल की आस्किंग कि भाई काई क्यों बनती है हमारे, इन दो कारणों से बनती है काई। अभी मैं प्लेन मिट्टी की एक लेयर डाल रही हूं ताकि थोड़ा सा और प्रोटेक्शन मिल जाए। और खाद बिल्कुल भी पानी के कांटेक्ट में ना आए। अब लास्ट लेयर जो हम डालेंगे ताकि खाद पानी के कांटेक्ट में बिल्कुल ना आए और पानी बिल्कुल साफ रहे, वो इस बदर। इस तरीके से आप एक थिन लेयर ऑफ बदरपुर आप देखिए एक अच्छी सी थिन लेयर ऑफ बदरपुर मैंने पूरी डाल दी है। इसके दो एडवांटेज होते हैं, जो एक्स्ट्रा गीलापन होता है वो भी ये सोख लेती है और पानी लेयर, और एक प्रॉपर क्लियर इसने लेयरिंग दे दी। और ये हमारा बेबी प्लांट है और अब हम इसके अंदर धीरे धीरे पानी पानी भरने के लिए भी एक टेक्निक है जो आपको प्रॉपर आनी चाहिए। अगर आप पर करके पानी भरेंगे किया कराया सब खराब हो जाएगा।